नमस्कार साथियों आज हम लोग एस एस कांस्टेबल के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 17 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था इस शिफ्ट के हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग हमारे साथ एस एस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया था कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे कि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है जैसे कि पंद्रह दो सौ इकतीस से संबंधित है वैसे ही सोलह किससे संबंधित होगा तो देखिए ऐसे प्रश्न करना हो तो आप लोग देखिए ऐसे अंदाजा लगाइए कि पंद्रह है ये तो दूरी बहुत ज़्यादा है तो देखेंगे कि स्क्वायर बन रहा है पंद्रह का स्क्वायर क्या होता है दो सौ पच्चीस होता है अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो सौ इकतीस है तो यहाँ छः का अंतर हो रहा है यानी कि छः जोड़ दिया है तो दो सौ इकतीस बन गया है दो सौ इकतीस यहाँ पर बन गया है तो यहाँ पर वही हम लोग रूल अप्लाई करेंगे सोलह का स्क्वायर होता है दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन में हम छः जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर दो सौ बासठ आ जाएगा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोग ऐसे ही अंदाज़ा लगाएंगे देख के कि ये पंद्रह के स्क्वायर के आसपास की चीज़ें हैं उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे कि, कि किसी निश्चित कोड भाषा में हिडन को ऐसे लिखा जाता है तो उसी भाषा में फैलो को किस रूप में लिखा जाएगा तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए जैसे ए का एक है बी का दो है उल्टी भी संख्या याद होनी चाहिए नहीं भी याद है तो आप लिख लेंगे एग्जाम में तो देखिए देखिए पर क्या हो रहा है H है एच एच के जस्ट बाद क्या आता है आई आई के जस्ट बाद क्या आता है जे फिर डी के जस्ट बाद क्या आता है ई e. यह चीजें तो ठीक है लेकिन अब डी के देखिए पहले क्या आता है यहाँ पर डी के पहले देखेंगे आ रहा है सी उसके बाद देखिए कि ई e के पहले क्या आ रहा है ई e के पहले डी आ रहा है तो तीन संख्या आगे चल रही हैं, तीन संख्या पीछे चल रही हैं, तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे एफ है एफ के एक आगे क्या है जी फिर ई e के एक आगे क्या आएगा एफ एल के आगे एम आ जाएगा तो ये तीन चीजें तो आगे की हो गई अब पीछे के एल के पहले क्या आता है जे के जे के के आएगा तो के के, के पहले एल के पहले क्या आता है फिर ओ के पहले क्या आएगा ओ के पहले एन आ जाएगा एन ओ तो ओ के पहले आएगा एन और डब्लू के पहले क्या आ जाएगा तो तीन संख्याएं आगे चल रही हैं तीन पीछे चल रही हैं तो वी आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी एफ एम एल ओ डब्लू ओ जी एफ एम एल डब्लू वी तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या रहा एन है तो जी एफ जी एफ एम के एन वी तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो गया तीन आगे और तीन पीछे चल रही हैं संख्याएं है? ये इजी क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि इसका जो है आपको दर्पण रखा गया है ये दर्पण है ए बी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो देखिए ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो आप लोग क्या करेंगे सीधा ये वाली चीज़ उठा घुमा के इधर रख देंगे तो अब देखिए ये पीछे वाली चीज़ क्या हो जाएगी ये तो इसी तरह दिखेगा ये चीज़ ऐसे दिखेगी ये नोक ये नोक आमने सामने होंगी क्योंकि ये वाली चीज़ हमने घुमा के इधर कर दी है ये वाली चीज़ घुमा के इधर कर दी है ऐसे ही हम घुमा के पलट के उधर रख देंगे तो चीज़ें आ जाएंगी ये वाला जो देखेंगे नोक है ये इधर ही आएगा ये गोला इधर बनेगा ट्रायंगल जो है ये अंदर देख रहे हैं ये इधर ही घूम करेगा इसी की तरफ तो आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर देख लीजिए छोटा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो हमने उठाई है ऐसे ही बन रही है देख सकते हैं दर्पण वाला कर लेंगे आगे प्रश्न देखिए क्या दिया है आपसे ये दिया है देखिए फोल्डिंग कटिंग जो है पेपर की पूछी जाती है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो जैसे देखिए ये छोटा वाला ब्लॉक आपको दिया हुआ है तो ऐसे चार बनेंगे जैसे ये वाली चीज़ जो है आप खोलेंगे तो इधर भी बनेगी फिर इधर खोलेंगे तो ये वाली चीज़ जो है इधर बन जाएगी अगर आपने इधर वाली चीज़ निकाल ली तो आप इधर वाली चीज़ निकाल लेंगे तो देखिए ये वाली चीज़ है खोलेंगे पेपर तो ये चीज़ ऊपर बनेगी तो ये वाले हिस्सा जैसे दर्पण में हमने निकाला था समझ लीजिए कि एक दर्पण रखा हुआ है ये निकाल लेंगे फिर समझ लीजिए इधर दर्पण रखा हुआ है इधर निकाल लेंगे तो ये आप निकाल लेंगे उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए आपसे ये बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करता है इसमें अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे शब्द दिए रहते हैं उसी के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है जैसे एम है सब में पहले एम ए ए है सब में ठीक है उसके बाद तीसरा शब्द एन है एन भी ठीक है लेकिन एन के बाद एन के बाद क्या आता है तो यहाँ पर आप देख पहले एम आएगा देखिए एम के बाद एन आएगा तो पहले एम आएगा तो यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई है पहली संख्या हमारी चार आ गई है दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई है एन सब में है उसके बाद ए देखिए इसमें है तो उसके बाद हमारी पहली संख्या आ जाएगी उसके बाद देखेंगे डी आती है उसके बाद ए के बाद डी आ जाएगी तो पांचवी संख्या हो जाएगी उसके बाद देखेंगे आई आएगा क्योंकि देखिए डी के बाद आई आए आएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी उसके बाद आखिरी जो बचेगी तीसरी एन तो बहुत बाद में आता है तो शब्द के अनुसार जैसे डिक्शनरी में आप लोग शब्द ढूंढते हैं वैसे ही यहाँ पर चीजें रखनी है उसके बाद देखेंगे ये आकृति दी गई है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिंदु है ये ऊपर चला गया है फिर ये इधर आ गया है नीचे आ गया है तो अब ये बिंदु यहाँ आना चाहिए बिंदु गोल गोल घूम रहा है तो ये बिंदु इस कोने पे आना चाहिए उसके बाद देखेंगे एक ट्रंग एक बिंदु है यहाँ पर अंदर दो है फिर एक है फिर दो है तो फिर एक बिंदु आ जानी चाहिए तो कोने पर यहाँ आएगा और एक बिंदु होनी चाहिए तो कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर देखिए कोने में है लेकिन दो बिंदु है इसमें एक बिंदु है तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है देखेंगे कि ये दिया हुआ है आपको पंद्रह है तीस है तैंतीस दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे इसको करने का देखिए तरीका होता है या तो इन दोनों को इन दोनों का रिलेशन बीच वाले से कुछ बनेगा या इन दोनों का रिलेशन कुछ इससे बनेगा या इन दोनों का रिलेशन कुछ इससे बनेगा या फिर या फिर इस पूरे का जो रिलेशन पंद्रह और सोलह का है इस आखिरी वाले से बनेगा तो ऐसे रिलेशन बनते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पंद्रह और सोलह ऐड किया तो हमने क्या बना इकतीस इकतीस को दो से हमने गुड़ा कर दिया तो क्या बन रहा है बासठ बन रहा है ऐसे ही इसको देख लीजिए तीस और छब्बीस है तो ये क्या बन रहा है छप्पन छप्पन के दो से गुड़ा कर दिया हमने तो क्या बन रहा है एक सौ बाईस यहाँ देखिए 33 है और उन्नीस है आप तैंतीस और उन्नीस को ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा बावन बावन को हम लोग दो से गुड़ा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि एक सौ चार तो ये करेक्ट हो गया है आंसर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं ये रिलेशन का है इंग्लिश में है लेकिन आपको हम हिंदी में समझा देते हैं देखिए हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ई डिवाइडेड बाई एफ़ दिया हुआ है तो यहाँ देखते हैं कि पी डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब होता है कि पी बेटी है क्यू की यानी पी बेटी है यानी कि ई e बेटी है किसकी एफ़ की तो यहाँ पर ई e बेटी है एफ की तो जो स्त्रीलिंग होता है उस पर हम लोग माइनस का साइन लगा लेते हैं ठीक है उसके बाद अगला क्या दे रखा है एफ प्लस जी यानी पी प्लस क्यू का मतलब होता है कि पी क्यू का पिता है तो यानी कि एफ जी का पिता होगा तो देखिए ये भाई बहन होंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ जो है जी का पिता ही होगा तो यहाँ पर ये पिता है तो ये दोनों भाई बहन हो गए उसके बाद इसका जेंडर नहीं क्लियर है इसका तो क्लियर है ये पिता है ये प्लस साइन लगा लीजिए उसके बाद आपसे दिया है जी माइनस एच यानी कि पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है तो पी बेटा है क्यू का तो यानी कि जी क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी एच जो है माँ है एक मिनट एच क्या हो जाएगा एच जो है माँ है सही जवाब है उसके बाद एच डिवाइडेड बाई आई का मतलब आप लोगों ने पहले ही देखा था कि पी बेटी है तो यानी कि एच क्या है बेटी है किसकी आई की तो आई ऊपर चला जाएगा तो अब आपसे पूछा है किसका रिलेशन ई आई से किस कैसे रिलेटेड है तो देखिए ये इनका क्या है ये तो पिता है ये प्लस हो जाएगा देखिए पिता के पिता क्या लगेंगे ग्रैंडफादर लगेंगे ई का पिता जो है एफ है और एफ के पिता आई हैं तो ई क्या हो जाएगा उसका ग्रैंडफादर मतलब कि इसका ग्रैंडफादर हो जाएगा यानी कि ई क्या लगेगी ई उसकी क्या लगेगी बेटी लगेगी क्योंकि माइनस है तो ये कौन सी बेटी लगेगी ग्रैंड डॉटर लगेगी यानी कि पोती लगेगी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर इसको सवाल ऐसे बनाते हैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी उसके बाद देखिए ये पासा वाला सवाल है आप ये पासे वाले सवाल करना बहुत ईजी होता है बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है आपसे दिया गया है कि ये तीन पासे हैं इसके बाद आएगा कौन सा पासा आएगा तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ आप देख रहे होंगे ए ए तो है यहाँ पर देखेंगे बी है ये दूसरे में कहाँ आ गया है ऊपर यहाँ देखिए ई है अगले में ई ऊपर उठ के आ गया है तो यहाँ देखिए एफ है तो एफ अगले में ऊपर उठ के आ जाना चाहिए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा तो एफ देखिए ऊपर किस में है सिर्फ एक नहीं होगा ऑप्शन नंबर थ्री में बाकी किसी में नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ये बहुत सिंपल सा सवाल था अब देखिए आपसे दिया हुआ है ये चीज़ें छोटा कर देते हैं दिख दिया है कि सीधा हम क्वेश्चन लगाएंगे पंद्रह लिखा हुआ है एस का मतलब क्या होता है एस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन यानी गुड़ा दो पी का मतलब क्या है जोड़ दो फिर ग्यारह एस का मतलब हमें पता ही है गुड़ा है गुड़ा लगा देंगे डी का मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन यानी कि सब्सट्रैक्शन है वी का मतलब क्या है वी का मतलब है यहाँ पर दिख वी का मतलब है डिवाइड पंद्रह डी का मतलब है फिर से सब ट्रैक्शन फोर और नौ गुड़े, एस का मतलब गुड़ा ही है चार कर देंगे उसके बाद पंद्रह दूनी तीस ब्रैकेट में बाईस और दो बाहर खोलेंगे चौवालीस ये गया पाँच बार जाएगा पंद्रह पचे पचहत्तर माइनस का ये छत्तीस और चार एक सौ चौवालीस ये निकल कर आया आपका उसके बाद क्या आ रहा है चौवालीस को आप तीस से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा चौहत्तर और ये माइनस का वन फोर्टी नाइन आ जाएगा अब दोनों को घटा लीजिए माइनस का पचहत्तर आंसर निकल कर आ गया है तो करेक्ट आंसर है पचहत्तर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर चलते हैं ट्वेल्व क्या कह रहा है कि देखिए बी एफ आई है ये दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा तो देखिए ये क्वेश्चन है बी के बाद क्या आएगा बी के बाद आएगा सी डी यानी कि सी और डी छोड़ दिया तो ई e आ रहा है ई e के बाद क्या आएगा ई एफ जी ई एफ छोड़ा जी छोड़ा एच आ गया है एच आई जे आई जे छोड़ दिया के आ गया के के बाद एल एम छोड़ देंगे तो एन आ जाएगा तो एक पहली संख्या क्या आ जाएगी एन उसके बाद अगला देखिए एफ है एफ जी एच दो छोड़ा आई आ गया तो मतलब सब में दो दो आई का देख लीजिए आई जे के दो छोड़ा एल आ रहा तो दो दो छोड़ लीजिए ओ छोड़ेंगे पी क्यू क्यू छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आर आर के बाद आता है आर के बाद एस और टी छोड़ देंगे तो यू आ जाएगा तो एन आर यू करेक्ट आंसर आ जाएगा दो दो संख्याएं छोड़ के चीज़ें आ रही हैं तो ये तो बहुत सिंपल है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है तेरह दिया हुआ है एफ ई डब्ल्यू जी वाई एच ऐसे है तो वाई ओ यू को क्या लिख सकते हैं तो एफ के बाद जस्ट जी आता है फिर ई e और वाई में रिलेशन नहीं बन रहा है ये थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आप लोग इसको लगा के दिखाइए ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है देखते हैं हैं लिख लेते हैं, e, w. तो यहाँ एफ और एच में रिलेशन पीछे से देख लीजिए क्या बन रहा है इसमें हम लोग दो ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है एच ठीक है इसके बाद e में रिलेशन बन रहा है किसका जी का बन रहा है चलिए ई e और जी में दो जोड़ लिया तो क्या बना जी दो ही जोड़ रहे हैं अब डब्ल्यू में दो जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा ये रिलेशन देखिए बन रहा है सब में दो दो जोड़ना है ऐसे जोड़ना है तो हम लोग वाई ओ यू लिख लेते हैं यहां पर हम दो जोड़ेंगे वाई में तो वाई में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा देखिए वाई की प्लेस वैल्यू क्या है हम बता देते हैं पच्चीस है पच्चीस का छब्बीस फिर एक आ जाएगा तो ये एक आ गया ए। ओ कितना होता होता है में जोड़ेंगे यानी कौन सा है साहू तो यहां पर क्यू आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है सत्रह U में दो जोड़ेंगे U 21 होता है तो 23 पे कौन सा शब्द होता है 23 पे आता है हमारा W तो Q W A हो जाना चाहिए तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन देखिए कल भी मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आया था तो इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं कितनी संख्याएं हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस बीस है या तो हम पांच पांच में तोड़ दें या तो चार चार में तोड़ तोड़ दें अपनी सुविधा के अनुसार तो यहाँ देखिए हम जब इसको ब्रेक करेंगे हम चार चार में कर देते हैं ये यह हमने यहां तोड़ा चार में उस एक दो तीन चार यहाँ तोड़ा हमने चार में फिर यहाँ तोड़ा हमने चार में फिर इसको हम यहां चार में तोड़ लेते हैं चार चार में हमने इसको तोड़ लिया है तो देखिए टी आर डी एस बना यहां पर आर रख दिया तो क्या बना टी आर डी एस फिर यहां भी हमको टी आर डी एस हमें बनाना है तो यहां टी आर डी एस तो यहां डी आ जाएगा फिर देखिए टी आर डी एस एस यह, यहां लिख देंगे फिर यहां टी आर डी एस टी आर डी एस तो देखिए हमने क्या क्या लिखा आर लिखा है टी लिखा है डी लिखा है एस लिखा है आर लिखा है टी लिखा है और डी लिखा है कौन सा क्वेश्चन में सही है तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए लिखा है यदि सफेद को काला काले को धूसर धूसर को लाल लाल को हरा हरे को नीला और नीले को पीला कहा जाता है तो स्टॉप सिग्नल जो होता है सिग्नल लाइट का रंग क्या हुआ देखिए स्टॉप सिग्नल का रंग क्या होता है लाल और यहां पर आप देख सकते हैं लाल को क्या कहते हैं हरा तो लाल क्या हो जाएगा हरे रंग का हो जाएगा ये सवाल ऐसे ही करा जाता है बहुत सिंपल होता है लेकिन काफी बच्चे गलत कराते हैं अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है छे लोग बैठे हैं इंग्लिश में है लेकिन आपको हिंदी में हम बताते हैं छे लोग बैठे हुए हैं एफ जी एच आई जे के और ये एक दूसरे के तरफ मुँ करके के बैठे हुए हैं गोले में ये बिंदु की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं तो चलिए छः लोग हैं तो हमने कल बताया था इसको कैसे करते हैं एक डंडी खींच लिया दो लोग हो गए ये चार लोग हो गए और ये क्या हो गए छः लोग हो गए सब एक दूसरे के मुँह करके के बैठे हैं बिंदु की तरफ करें हैं तो एफ़ और जी क्या है एक दूसरे के अगल बगल हैं तो मान लेते हैं तो लिए लिए। ये एफ़ है और ये जी है ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं उसके बाद क्या दिया है एफ़ और के एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये देखिए अपोजिट हो गया एफ और के उसके बाद दिया है कि एच आई के अपोजिट है तो एच आई के अपोजिट है तो हम कहीं भी लिख लेंगे अभी हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है जे जी के अपोजिट है तो यहाँ पर हम जे लिख लेते हैं के क्या है के एच के बाएँ से दूसरे स्थान पर है तो क्या हो जाएगा कि एच आपसे के पूछा है के एच के तो ये एच यह यहाँ पर आ जाएगा अब यहां पर देखिए अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है अब इसका बायां दूसरा क्या है देखिए के ही पे तो है एक और दूसरा के आ गया तो एच के विपरीत कौन आ जाएगा आई यहां पर दिया हुआ है आई दिया हुआ है अब आपसे क्या पूछा है कि एफ और आई के बीच में कौन है तो यहाँ एफ है ये आई है एफ और आई के बीच में कौन है जी है करेक्ट आंसर जी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए दिया हुआ है कि ये इसमें कौन सा चित्र अंदर है ये आपको बताना है घुमाना फिराना अलाउड नहीं है तो देखिए ये तो चित्र नहीं दिया हुआ है आप ये चित्र देखिए कहीं आपको दिख रहा है अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये नहीं बन रहा है ये तो ऐसा चित्र बन रहा है आप देखिए यूँ बन रहा है तो ये ऐसा नहीं है उसके बाद आप ये वाला चित्र देखिए ये ये और ये देखिए तो ये वाला हिस्सा देखिए ये बन रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा ये करना प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं आप लोग आसानी से कर लेंगे उसके बाद देखिए आपसे दिया हुआ है कि किसी भाषा में टू को थ्री के रूप में लिखा जाता है फाइव को चार के रूप में तो बताइए एट को किसके रूप में लिखा जाएगा तो देखिए ये तो बहुत सरल है देखिए टू है टू में कितने अक्षर हैं एक दो तीन अक्षर हैं तो ये तीन हो गया अब फाइव में कितने अक्षर हैं एक दो तीन चार तो ये चार हो गया ऐसे ही एट में कितने अक्षर हैं एक दो तीन चार पाँच करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांच आपको सवाल देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि वहां पर समय बहुत कम रहता है आपको बहुत जल्दी में करना पड़ता है बीसवा प्रश्न है देखिए सैतीस इकतालीस और पचास है साठ है तो देखिए क्या करेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो सैंतीस और इकतालीस में कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है चार का अंतर ठीक है इकतालीस और पचास में नौ का अंतर है पचास और छाछठ में सोलह का अंतर है तो आप देख रहे हैं ये टू का क्यूब है ये थ्री का क्यूब है ये फोर का स्क्वायर है सॉरी स्क्वायर हो रहा है ये पाँच का स्क्वायर क्या हो जाएगा पच्चीस तो हम लोग छाछठ में पच्चीस जोड़ देंगे तो छाछठ में पच्चीस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इक्यानवे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा अगला क्वेश्चन है इक्कीसवां इंग्लिश में है लेकिन आपको हम हिंदी में देखिए समझा देंगे आपसे दिया हुआ है कि सारे फूल क्या यहाँ है? तिलिप हैं तो सारे फूल अंदर होंगे तुलिप बाहर होगा क्योंकि सारे फूल तिलिप है तो ये हम फूल को एप से लिख लेते हैं और ये तुलिप को टी से लिख लेते हैं तुलप भी एक फूल होता है उसके बाद लिखा है नो तुलिप आर वाइट तो हम वाइट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वाइट और तुलिप से कोई अंतर नहीं है संबंध नहीं है अब आप देखिए ऑल तिलिप आर फ्लावर सारे तुलिप फ्लावर हैं नहीं सारे फूल तुलिप हैं लेकिन सारे तुलिप फ्लावर नहीं तो ये तो कथन गलत हो गया आपका ये पहला गलत हो गया अब दिया है सम तुलिप आर वाइट इन दोनों में तुलिप और वाइट में आपको कोई रिलेशन दिख रहा नहीं दिख रहा है कोई भी वाइट नहीं है यहाँ पर दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया तो क्या सही हो जाएगा निदर कॉन्क्लूजन वन नॉर कन्क्लूजन टू यानी कि दोनों कथन गलत हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये जेड W यू टी है तो देखिए इसमें क्या अंतर है तो देखिए जेड में आप तीन जेड में आप तीन पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा डब्लू पीछे जाने की बात हो रही है यानी आप डब्लू में तीन जोड़ेंगे फिर डब्लू में आप देखेंगे कि यू वी यानी कि यू और डब्लू के बीच में क्या रहा आ रहा है सिर्फ वी आ रहा है यानी कि एक संख्या आ रही है और जेड और डब्लू के बीच में दो संख्याएं आ रही हैं इनके बीच में एक आ रही है और यू और टी के बीच में एक भी संख्या नहीं आ रही जीरो यहाँ देखिए जी और डी में कितनी संख्या आ रही हैं डी ई एफ यानी कि दो संख्याएँ आ रही हैं और बी के डी के बीच में सी आता है एक संख्या आ रही है और बी के एक बीच में कोई भी संख्या नहीं आती है तो दो एक जीरो चल रहा है तो यहाँ वाई और यू के बीच में देख लीजिए तो यहाँ तीन संख्याएँ बीच में आ रही हैं जैसे कि यू आ रहा है यू नहीं यू छोड़ दीजिए वी डब्ल्यू एक्स यानी तीन संख्याएं आ रही बाकी सब में दो दो आ रही हैं तो आपका गलत हो गया ये मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया ये अलग है अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसवा क्वेश्चन आपके सामने है 128 है 109 है 77 है ये है तो यहाँ पे हम देखेंगे 44 और तिरपन का अंतर कितना है तो देखिए नौ का अंतर है चौसठ और तिरपन में ग्यारह का अंतर है चौंसठ और सतहत्तर में कितने का अंतर है तेरह का तो अब देखिए दो दो का अंतर हो रहा है तेरह तो पंद्रह का अंतर आना चाहिए यहाँ पर तो हम सतहत्तर में पंद्रह ऐड कर देंगे सेवेंटी सेवन में पंद्रह ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा सात पाँच बारह और एक ये बानबे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा नाइन्टी टू आ जाएगा ये क्वेश्चन काफ़ी ये पेपर काफ़ी सरल था कल के कंपैरिजन में कल का आपने पेपर देखा होगा थोड़ा ठीक लेवल का था तो ये देखिए आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है तो वेब ब्राउजर का वही संबंध क्या होगा देखिए प्रिंटर क्या है एक हार्डवेयर है हार्डवेयर क्या होते हैं जिनको हम छू सकते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया तो ये सब क्या है हार्डवेयर हैं लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते है? वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं जैसे वेब ब्राउजर है तो ये क्या है सॉफ्टवेयर है तो ये ऐसा प्रश्न था वीडियो आपको ऐसा अच्छी लगी हो रोज ऐसी ही वीडियो आप चाहते हो तो मोटिवेट करिएगा चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितना आपसे हो सके मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में